नमस्ते, मैं भारती। मेरे भारतीय किचन में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं रबड़ी जैसी गाढ़ी चावल की खीर। तो आइए ये रेसिपी को हम शुरू करते हैं। आज हम चावल की खीर बनाएंगे। जैसे खीर हम शादी पार्टी में खाते हैं, वैसी ही आज खीर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं चावल की खीर बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। चावल की खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा लीटर फुल फैट मिल्क ले लिया है। दूध यहाँ पर आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिए थे, उसको मैंने 1 घंटा भिगो के ले लिया है। आप यहाँ पे कोई भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आधा कप मिक्स में ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं। 1/4 कप यहाँ पे मैंने चीनी ले ली है। 10 से 12 गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट को आधा आधा काट लिया है। 2 इलायची ले ली है, आप इलायची के बदले इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। तो आइए चावल का खीर बनाना शुरू करते हैं। चावल की खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मिक्सर जार ले लिया है, जो हमने चावल भिगो के रखे थे, ये आधे इसमें डाल देंगे। अब जो आधे चावल है इसे साइड में रख देंगे। अब इस चावल में 3 चम्मच जितना पानी डाल देंगे। सबसे पहले हम चावल को अच्छे से पीस लेंगे। अब खीर में गाढ़ी थिकनेस लाने के लिए यहाँ पे मैंने चावल को दरदरा पीस लिया है। तो चलिए अब हम चावल की खीर बना लेते हैं। अब चावल की खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है। सबसे पहले कढ़ाई में 1/2 चम्मच जितना घी डाल देंगे। घी यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब इसमें 2 इलायची डाल देंगे, जो हमने मिक्स में ड्राई फ्रूट काट के रखे थे वो डाल देंगे। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। अब ड्राई फ्रूट को भून लेंगे घी में। फ्रूट को यहाँ पर मैंने अच्छे से भून लिया है। अब जो हमने दूध रखा था वो डाल देंगे। दूध यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब दूध को मिक्स कर लेंगे। अब सबसे पहले हम दूध में 1 उबाल आने देंगे। यहाँ पर हमारे दूध में 1 उबाल आ चुका है, जो हमने चावल को पीस के रखा था वो डाल देंगे। और जो हमने आधे चावल अलग करके रखे थे वो भी डाल देंगे। चावल यहाँ पे मैंने खीर में डाल दिए हैं। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चावल की खीर को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने चीनी रखी थी वो डाल देंगे। अब चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल की खीर में यहाँ पर मैंने सब कुछ अच्छे से डाल दिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा लेंगे। और आपको इस बात का ध्यान देना है, फ्लेम को हमें मीडियम स्लो कर लेना है। अब 5 मिनट के लिए खीर को अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, आइए खीर को चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं खीर हमारी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, और मैंने इसे बीच बीच में मिक्स भी किया था। तो खीर हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी शादियों जैसी चावल की खीर बनकर तैयार है। अब इसे हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। हमारे यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट चावल की खीर बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो भारत भारती किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।